सभी लोगों का टेक्निकल माजिद यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। दोस्तों जो सा जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी का जो शेड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एडमिशन शेड्यूल या फिर एक कहें कि जो इनका शेड्यूल है उन्होंने रिलीज़ कर दिया इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यदि आप इनका जो है कि द जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जिसको जोशा 2022 बोला जाता है, यदि आप इसका जो है कि देखना चाहते हैं सीट अलॉटमेंट कह रहा हूँ पूरा शेड्यूल देखना चाहते हैं कब क्या सारी चीज़ें होने वाली है, जैसे कि यहाँ पर शेड्यूल में भी एडमिशन सर्विसेज में देखिए कैसे कैसे क्या प्रोसेस होते हैं, तो ये चलिए हम पहले शेड्यूल देख लेते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल देखने के लिए सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखें दो लिंक मिल रहा है, तो पहले दूसरे वाले पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक PDF मिलेगी जो कि 87 KB की है, तो आपको इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड ये PDF डाउनलोड हो जाती है। उसके बाद आपको जो है कि पूरा व्यू दिखाऊँ, देखो ये ओपन करने के लिए कह रहा था, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए शेड्यूल ऑफ इवेंट ऑफ जोशा 2022 ऑनलाइन रिपोर्टिंग, तो यहाँ पर पूरा शेड्यूल यहाँ पर जो है कि कैसे क्या सारी चीज़ें होंगी। तो आपसे मैं रिकमेंडेड मेरा यही रहेगा कि आप इसको डाउनलोड करें एंड देन इसको पढ़ें पूरी सारी चीज़ें कब से स्टार्ट होने वाली है। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जो चॉइस वो 12 सितंबर से 10 बजे स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आप जो है कि इससे अप्लाई कर सकते हैं। राउंड वन का कब से कब तक चलने वाला पूरा प्रोसेस, राउंड टू का, राउंड थर्ड का, राउंड फोर का, राउंड फाइव का, राउंड सिक्स का। ठीक है, तो ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें डीप में देखनी है, क्योंकि अगर आप ये इसका फॉर्म भरे हैं तो आपको मेरी रिकमेंड यही है कि आप इसको जो है कि डाउनलोड करके और हर चीज़ एक चीज़ देख लें कि राउंड वन कब से कब तक चलने वाला है, कब पेमेंट करनी है, कब इनकी लास्ट डेट है, कब सीट अलॉटमेंट होगा, तो आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।